ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਬਣ ਗਈ। पहले ही ऑर्डर कर दे धरती को
उनके नादी वारिस नौ गुरु साहिबान, उनमें वही नानक ज्योति जगमगाती है। दुखों में जल रहे जहान को शांत करना, ज्ञान विहीन खलकत को सच और प्रेम की रोशनी देना, मासूम लोगों पर अत्याचार करने वाले जाबरों को ललकारना, सच और हक के लिए कुर्बान हो जाना, इन आदर्शों के जगमगाते इतिहास ही हैं गुरु साहिबान के जीवन। गुरु साहिबान ने अपने आप को गरीबों और मस्कीनों के संगी कहा और ये भी फरमान किया कि रब की रहमत वहीं होती है जहां गरीबों और दुखियों का उत्थान किया जाता है। जिथे रहम करम होवे मिट्टी चुरुर दियाते, अक्षरों को नानक गुरु ने नूर अपने में रंग दिया। अंगद गुरु ने इन प्यारे प्यारे अक्षरों को जलते दियों के संग संगतों में बांट दिया। गुरु अमरदास जी ने मना की सती की रीत, विरह की चोट को ही सच्ची प्रीत माना था। रामदास चक्र जो बसाया गुरु रामदास, गुरु जी की रहमतों से रौनकों में रंगा था। अमृत सरोवर खटा के गुरु पांचवे ने श्री हरमंदिर बनाया दरमियान है। एकता अनेकता बराबरी स्नेह भाव दैवी काव्य राग का ये पावन स्थान है। तपती तवी पे बैठे शीश पर गर्व रेत, ओठों पे मधुर बोल नजरों में जोत है। तेरा पाना मीठा कहके सहन किया है दुख, जैसे कि हृदय में दैवी सागरों का स्रोत है। गुरु हरि गोविंद जी ने साजा है अकाल तख्त, मेरी यहां पीरी से दिशा का बोध मांगती, लेके लौ अकाल से करे सुकर्म काल में है दुनिया के रास्तों पे दिव्यता की रोशनी। पौधों और डालियों को, फूलों और पत्तियों को ऐसा प्रेम करते थे गुरु हर राय जी। चलते थे चोले की किनारियों को थाम थाम, ऐसा ना हो छू के कोई कली टूट जाए जी। गुरु हर कृष्ण बाला प्रीतम का चांद जैसा शीन शांत दयावान प्यारा मुख याद है। गुरु जी का द्वार देवा दुखड़े निवार, आधा वहां से चैन वहां जाती फरियाद है। दीन हो या धर्म हो, विचार हो या बात, कोई जोर और जबर से वो किसी को मनाए ना। नवम गुरु ने कुर्बान किया शीश, हम डरे ना किसी से, कभी किसी को डराए ना। दशम गुरु ने पंथ खालसा सजाया, उठी देख हुक्मरानों जालिमों से टकराने को। पिता कुर्बान किया चार लाल बार दिए, मित्र प्यारे सन प्यार को निभाने को। नूर की नुहार था वो, बेकसों का यार था वो, उसके बोल पावन पुनी आबशारे हैं। जालिमों को खौफ मजलूमों का ये आसला है, साजों की है तारे चाहे तेरों की ये धारे हैं। वही ज्योति श्री गुरु ग्रंथ में शोभायमान, वही नूर वही है सरूर ओत आस्था, राग की तरंगों का जमाल है इलाही बोल, झिम झिम दिन रात नूरी मेघ बरसता। कहीं सोहे श्री राग सूरत तिलंग मारू, कहीं सोहे आशा टोडी सारंग बिहागड़ा, राम कली माझ कल्याण गौरी जैतसरी, कहीं सोहे देवगंधारी गौड़ कांगड़ा, कहीं बड़हंस नट नारायण प्रभाती, कहीं है मलार बैराड़ी और गुजरी,
कहीं सोहे जय जयवंती मालासरी। मान है निमान का, सहारा निर्सहारों का है, यही शब्द गुरु बे ठिकानों का ठिकाना है। ये शब्द गुरु ठंडी छांव की तू वोट दे दे तपत हृदयों को, अब और कहां जाना है। यहां आके रास खुले, खंड और मंदल भी गाते हैं इलाही राग, यही वो जमीन है। फूलों और दियों से नक्षत्रों के नूर तक सारा ब्रह्मांड रब्बी आरती में लीन है। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित आरती को देशों कौमों मजहबों से पार जाने वाला ब्रह्मांडीय गान कहा है। श्री आदि ग्रंथ के विधिकार भाई गुरुदास जी आते थे,
जब आग ग्रंथ का प्रथम दिवस हरमंदिर में प्रकाश हुआ, कुछ और सब्ज गोगरी करती, कुछ नीला और आकाश हुआ। जब रात्रि ऐसा लगा तारे झुक आए देखने को, उस घर के मतलब देखने को, जब पांचवें गुरु शहीद हुए, गुरु हरगोविंद जी देख पाए, संगत से कहा, पीरों की पीरी की खाते झूठे पीरों की बीवी के जुल्मों से टक्कर लेने को तकदीर बहुत जरूरी है। रसदीन रवाब की रक्षा और समय सारंगी की खाते जमशी की बहुत जरूरी है। पीरी मीरी के अंतर्गत हुआ निर्मित श्री अकाल तख्त, जहाँ टाकी बारी गाने लगे, दुनिया के झूठे शम से गुरु के निर्मित इस तीर्थ पर फिर न देखी मैंने, आदि जाति पवन से ही मैं सुनती रही हूँ बातें, कहाँ चढ़ा था दिवस में और कहाँ हुई थी रातें। जकरिया खान की फौज ने डारा गुरु नगरी को घेरा, कब मैं देखूं गुरु के प्यारे, कब फिर होगा मेरा, रखी थी शर्त जकरिया खान ने, दिए धरने दूंगा, 10,000 मोहरे दोगे तो दर्शन करने दूंगा। कुछ दिन गए तो खुल गया असली थे जकरिया खान का, इसी बहाने से संगत को खत्म न करना चाहता। वर्जित कर दी भाई मनी सिंह ने आमद से संगत की, और साथ ही रद्द कर दी थी शर्त जकरिया खान की। जकरिया खान ने कहा, चला दो कोटी कोटी करना, 10,000 मोहरों का लेखा टुकड़े कसर करना, रोम रोम में बसी है वाणी, क्या टुकड़ों में कहना, सिद्ध किया भाई मनी सिंह ने कैसे असफल को सहना। आज भी याद करूं तो लगते उठती है सीने में, क्या कुछ किया था इस पावन स्थल पर मस्तर गढ़े, बड़े दिन दो सरपरोश बिल्कुल पास से गुजरे, चौधरियों के भेज लेकिन गुरु के प्यार में लगे, सुखा सिंह मेहताब सिंह पूरी में डाल के कांकर मामला देने आए, पूरे पास मस्जिद के जाना मस्से लंगर घर से घर से कार पूरी में कर गांव गांव से गुजरे, गांव के सर को देने से फिर उठ अपराधी आ गया हिंदुस्तान नकार था, दौलत और इज्जत रूपता बसते हुए नगर उजाड़ता, हरमंदिर हृदय मंत्र का उसने कितनी बार तोड़ा, किया पुनर्निर्माण पंथ में सिर सिर करके जोड़ा। मुझे याद है बाबा दीप सिंह यहीं रुके थे आकर, शीश किया कार्तिका यहीं झुके थे आकर, क्या गोद के जोड़े करेंगे तू रहने दे अवतारी, ये तो नूर है सच्चे शब्द का है दिल चढ़ते की रात। फिर मैंने गजब नजारा देखा जामे शहादत पीने का, तो मौत दुल्हन कहने का मन में युगल युग जाने का, सहरा पहन को बॉक्सिंग सात तीस बरातियों के हरमंदिर साहब की रक्षा के लिए 30,000 से गिर गए, क्या राम की शहीदी जान का, क्या प्यार गुरु के नाम का। जंगल के सिंहों के किले और घोड़ों की पीठ को खर जैसे सब लूटने वाले लूट लिए, अपराधी और नागरिक जैसे घर घर पहुंचाया पीढ़ियों को, फिर जालिम को हैरान, बन गए सिंह पंजाब की पहचान आन और शान, जुड़कर बैठती बन जाती सरबत खालसा, और उसके सांचे गुरमते कहलाते गुरु का फैसला। जुल्मी हमलों के दौर में बस एक था खालस खालसा, विश्व के रूप में धरती का एक मात्र वारिस खालसा, फिर जुड़ा सभा खालसा यू शक्तिशाली गुरु सिंह, इस धरती का पुत्र बना महाराजा रणजीत सिंह, मेरी माथे का ये ताज का
कण है गौरव की दूर के फिर शीश आशीष है इन्हीं की तेरे गगन के झंडे छूटे था सपना मेरी रात का तेरी उठा मेरी मन का कब देखूं नीले नींद में तेरा थाम सुनहरे रंग का सिख राज की आ गई शाम जब आया शहर गोली सरकार का जो काच गया सो तो गया अब कौसला है रास्ता पर एक नई हवा का छाता गांव गांव और शहर शहर गुरुधाम में सच्ची सिक्की के उत्थान ड्यूटी है श्री रघागंज की टोली चोटी घोड़े में दीवार फिर बनवाती जब सिंहों की दिल्ली तक पहुंची लगता सियालकोट में बेर बाबे की सिंह पहुंचे जब घोष के साथ आप महंतों ने प्रबंधन सौंप दिया संगत के हाथ नीचा हूं अत नीच बोल के नानक जिनके साथ हुआ था नानक के डर से ही महंतों ने उनको उद्धार किया था नानक के सच्चे सिंहों ने एक दिन उनको साथ दिया मिलकर देव चढ़ाई किया दास और फिर बात किया चले गए उठकर महंत प्रसाद नहीं स्वीकार किया श्री अकाल तख्त के सिंहों ने फिर बड़ा इकट्ठ किया बीत गया एक दौर तारीख का पन्ना जैसे पलट गया 175 सदस्यों की समिति का गठन हुआ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसका नाम रखा गया अब सुधार और प्रबंधन की कमान कमेटी ने संभाली और अभी क्या क्या कुर्बानियां थी होने वाली जत्था चला यहां से पहुंचा तरन तारण मत्था टेका गुरुधाम की चौकटों पर आधी रात महंतों के उठे कुंडे वायर खोल दिए सोई संगतों पर बासुपुर वाला अगम सिंह सूरा हजारा सिंह दूजा अलादीन होता इस लहर के पहले शहीद हुए आगे साकर शहादत का और चला वो जो जगह है ड्योरी के पास बिल्कुल चला जत्था ननकाने को वहीं से था प्रथम वर्षा का जन्म स्थान है जो कब्जा वहां निरंजन महंत का था सुनती रही हवाओं की सिस्कियों से दुख जो सहाना उन्होंने कौन सा था ओझर होने तक देखती नहीं जाते देख पाई फिर मुख में किसी का हुआ मोर्चा शुरू के चारियों का यूं ही मारने वाला अंग्रेज का था खड़क सिंह जी को गिरफ्तार किया सिर्फ कौन का जो बेदार बादशाह था जिले तक हो गए जबकि नहीं हो गए आखिर गोली सरकार की चित हुई भेजी कार है महात्मा गांधी ने जंग आजादी में ये पहली जीत हुई गुरु के बाग में लकड़ियां काटते थे करना संगत के लिए तैयार लंगर उनको पकड़ फिराने की पुलिस दे गई बढ़कर चोरी का झूठा इल्जाम कैसी मिट्टी के बने हैं आदमी ये सच्चे नाम के बिना कुछ बोलते नहीं सहकर चोट पर चोट उफ नहीं करते डोले देखने वाले ये डोलते नहीं आखिरकार फिरंगी को पड़ा झुकना कोई और बहाना न उठ बचा उधर लाइनों पर लेकर रोकी गाड़ी पंजा साहिब मैं इतिहास सचा वर्षगांठ ननकाने के मोर्चे की अकाल तख्त पे खड़ा तैयार जत्था 20,000 संगत वहां जुड़ी हुई कैसे कोई हुकूमत से सहा जाना हुआ जत्था रवाना जब 500 का पुलिस वहां फिरंगी की खड़ी हुई थी अंदर खाने हुकूमत की कोई साजिश कुछ पंथ की शान से डरी हुई थी एक है एक फिर फायर का हुक्म हुआ हाथ हाथ में राइफल जो तरी हुई थी पल में सैकड़ों सिंह शहीद हो गए रक्त संगतों की धूल में मिल गई थी संगत लाश उठाने लग गए थे ये कब सिखों से था पहली बार हुआ इतनी देर में जयपुर के रास्ते का जत्था दूसरा छटपट तैयार हुआ इसमें उस मां का छोटा पुत्र भी था जिसका बड़ा था अभी शहीद हुआ तुझको कैसे छुपा लूं मैं बेटे बख्शा हुआ तू भी उसी गुरु का था
तरफ तरफ कसौटियां आ गई। उसके पलड़े को पूछना ही पड़ा, शाही कागजों पर रखे तुरंत कोई शाही को झुकना ही पड़ा। बार बार आजमाया है वैरों को, हमें परखा है कितने ही जालिमों ने, लगते चल रही हैं या कि कुछ कहीं है, सीने फेंक करके देखा है गोलियों ने। जब मगाएंगे दीप चराग अक्षर, सदा सदा सलामत है रोशनाई, मरणशील भूपत दिवस चाहते हैं, युग युग अटल सच्ची बादशाही। ये जो संगते रौनक के बरकते हैं, अंदर सभी के शब्द का नूर चमके, कंडा तीर शमशीर बेदाग रोशन, सबके अंदर रबाब की ताक देते, सींचा हुआ जमीन का जर्रा जर्रा, रक्त बूंदों और प्रेम के आंसुओं से, माता घर मत और पिता पानी, मेरी जड़ों को बरसा है बात्सल्य। पत्ते गिरते हैं गुरु का नाम जपते, शाख शाख दुआ में उठती है, जिनको रैयत उम्मीद से देखती है, हवाएं जिनसे दिशाएं पूछती है। हर रोज रात के तीसरे पहर ऋतु अनुसार 2:15 या 3 बजे दर्शनी ड्योढ़ी के किवाड़ खुलने से पहले ही दर्शन के लिए उतावली संगत बंद किवाड़ों की आज्ञा जुड़ती है। सुखमनी साहब का पाठ संपन्न होता है तो दर्शन दीजिए खोल किवाड़ की विवल ध्वनि संगतों के मुंह से गूंजने लगती है। संगत अंदर प्रवेश करती है तो 3 पहरे की चौकी का कीर्तन हो रहा होता है। इसके उपरांत आसा जी की वार का कीर्तन आरंभ होता है। किवाड़ खुलने के 2 घंटे बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी श्री हरिमंदर साहिब में प्रवेश करेगी। कोठा साहिब में पवित्र बीड़ की तैयारी हो रही है। संतों के हृदय महाराज की सवारी के दीदार करने के लिए व्यवल है। नैन महिंजे तरसते कद पसी दीदार वाला माहौल है और फिर वो सुबह के पूर्ण बल आता है। नगाड़े पर चोट लगती है। ग्रंथी साहिब माथा टेक कर कोठा साहिब में प्रवेश करते हैं। अरदास करने के बाद पवित्र बीड साहिब को उनके सिर पर टिकाया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पीछे पीछे धीमी चाल से संगत हरिमंदर साहिब की तरफ चलती है। कोठा साहिब से अकाल तख्त साहब आकर बीड साहब को पालकी में सजाया जाता है। फूलों के सेहरे सजाए जाते हैं। पालकी लेकर संगत हरिमंदर साहब की तरफ चल पड़ती है। बारी बारी पालकी के नीचे कंधा देकर संगत में शामिल लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। दर्शनी ड्योढ़ी में प्रवेश करने तक श्री अकाल तख्त में नगाड़ा बजता रहता है। नगाड़ा बंद होते ही आसा जी दीवार का कीर्तन सुनाई देने लग पड़ता है। पालकी हरिमंदर साहब के द्वार पर आ जाती है। उसे सत्कार सहित अंदर लाया जाता है। इस दौरान आसा जी दीवार का कीर्तन कुछ समय के लिए रुक जाता है। अंदर बैठी संगत सत्कार में खड़ी हो जाती है। संगत मिलकर सत नाम वाहेगुरु की ध्वनि का जाप करती है। इस दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ को सत्कार और विधि सहित मंची साहिब पर सुशोभित कर दिया जाता है। संगत फतेह बुलाती है। ग्रंथी साहिब ताबे पर बैठ जाते हैं और संगत पहले की तरह अपने स्थान पर बैठ जाती है। सवैयों के पाठ के साथ ही प्रकाश करने की विधि शुरू हो जाती है।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश होने के बाद वाक लिया जाता है। वाक को गुरु के फरमान या हुक्मनामे के तौर पर ग्रहण किया जाता है। हुक्मनामे के बाद अरदास की जाती है और जहां भी कहीं कोई अरदास की आवाज सुनता है हाथ जोड़कर श्रद्धा सहित खड़ा हो जाता है। अरदास के बाद कड़ा प्रसाद बांटा जाता है और आसाजीरी वार का कीर्तन पुनः आरंभ होता है और उसकी समाप्ति के बाद फिर अरदास होती है और सुबह का मुखवाक फिर पढ़ा जाता है। इसके बाद सारा दिन कीर्तन का पवित्र प्रवाह चलता रहता है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब, दसम पातशाह, भाई गुरदास और भाई नंदलाल जी की रचना के अलावा कोई और वाणी नहीं गाई जाती। दूर दूर से आई संगत सिखों के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान पर आती है। जोड़े खाने में अपने जूतों को जमा करवा कर हर पल निरंतर बहते पानी में पैर धोकर परिक्रमा में दाखिल होती है। परिक्रमा जिसमें दुख भंजनी बेरी के अलावा वो मुकद्दस बेरी भी है जिसके नीचे बैठकर बाबा बुढ़ा जी श्री हरमंदिर साहब के निर्माण की देखरेख किया करते थे। परिक्रमा जिसमें बाबा दीप सिंह जी की बेमिसाल बहादुरी, सौहार्द और गुरुधर के प्रेम की पवित्र यादगार है। परिक्रमा के चारों कोनों में शीतल जल की छबीले हैं। सिख इतिहास से संबंधित सिख अजायब घर की सीढ़ियां भी परिक्रमा से ही होकर चढ़ती हैं। परिक्रमा के साथ स्थित है वह ऐतिहासिक रामगढ़िया बुंगे जो उस समय की याद दिलाते हैं जब दल खालसा के नेतृत्व में सिख मिसलें प्रभु सत्ता के लिए जूझ रही थी। इस पवित्र परिक्रमा से गुजरते समय श्री हरमंदिर साहब में हो रहे कीर्तन की मधुर धुन सारे दृश्य को दिव्य रंग में रंग देती है। नीले अमृत सरोवर में श्री हरमंदिर साहब का सुनहरा अक्स सतगुरु के प्रेम में भीग रही रूहों को अलौकिक सुकून देता है। अमृत सरोवर का स्नान अस्तित्व को तरंगित कर देता है। कड़ा प्रसाद की महक अन्न के दवीपन की प्रतीत करवाती है। दर्शनी द्योड़ी में दाखिल होकर श्री हरमंदिर साहब के पवित्र दरों पर माथा टेकने वाले पल परम आनंद और प्रेम में लगे होते हैं। श्री हरमंदिर साहब की नित्यनेमी मर्यादा के अलावा गुरु साहिबान से संबंधित गुरुपर्व एवं कुछ और ऐतिहासिक दिन भी बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश उत्सव और श्री गुरु हरगोबिंद जी के गुरगद्दी दिवस के मौके पर श्री हरमंदिर साहब में जलौ सजाए जाते हैं जिनमें तोशा खाने से लाई गई कीमती वस्तुओं के दर्शन करवाए जाते हैं। हर रोज गुरु का अटूट लंगर बांटा जाता है। सभी जातियों, धर्मों, इलाकों के लोग एक कतार में बैठकर प्रसादा छकते हैं। संतें लंगर की सेवा करके अपने आप को भाग्यशाली समझती हैं। बुधवार और रविवार श्री हरमंदिर साहब की दर्शनी ड्योढ़ी के सामने सुशोभित श्री अकाल तख्त साहिब में अमृत अभिलाषियों को अमृत छकाया जाता है। श्री अकाल तख्त के सम्मुख हर रोज टाडी वाले गाते हैं। टाडियों के गायन का समय प्रातःकाल 10 बजे से शाम 5 बजे तक का नियत किया हुआ है। टाडियों और रागियों का संबंध मीरी पीरी के प्रसंग में समझा जा सकता है। सिख पंथ में मीरी और पीरी की सांझ है परंतु इसके साथ ये भी समझाया गया है कि पीरी का दर्जा मीरी से ऊंचा है। अकाल तख्त साहिब के पास मीरी पीरी के निशान साहिब भी इसी बात की गवाही देते हैं। मीरी का निशान साहिब पीरी के निशान साहिब से नीचा है। श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में से ही गुरुद्वारा मंची साहिब दीवान हॉल को रास्ता जाता है जहां हर रोज दीवान सजता है और कीर्तन के उपरांत श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र हुक्मनामे की कथा की जाती है। इसके पास ही सिख गुरुद्वारों का प्रबंध चलाने वाली प्रमुख सिख संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति श्री अमृतसर का दफ्तर है। दूर दराज से आई संतों के निवास के लिए सराय बनी हुई हैं। सिख इतिहास के खोजियों के लिए सिख रेफरेंस लाइब्रेरी और सभी संगतों के लिए पब्लिक लाइब्रेरी भी यहीं पर स्थित है। इससे कुछ ही दूरी पर
बाबा अटल सुशोभित है। इस धरती का कण कण प्रेम, कुर्बानी और श्रद्धा के रंग में रंगा हुआ है। पवित्र शब्दों और सुरों की तरंगें रात दिन तन मन को विभोर करती हैं। अमृत वेला सुबह, दोपहर और फिर शाम हो जाती है। रहरा साहब का पाठ होता है, फिर आरती का कीर्तन, उसके उपरांत अकाल तख्त साहिब में शस्त्रों का जड़ाव दिखाया जाता है। आसमान में तारे चकमगाने लगते हैं, कीर्तन का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। अरदास उपरांत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी ऋतु अनुसार 10 या 11 बजे फिर उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ कोठा साहिब लाई जाती है, जैसी कोठा साहिब से रवानगी के समय विद्यमान थी। दर्शनी ड्योढ़ी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, अंदर श्री हरमंदिर साहिब की सफाई की सेवा आरंभ हो जाती है। सफाई के उपरांत जल और दूध से फर्श को धोया जाता है, जिसे स्नान सेवा कहा जाता है। स्नान सेवा में सिर्फ अमृतधारी व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। फिर दूसरे दिन का अमृत वेला होता है। दर्शनी ड्योढ़ी के किवाड़ खुलते हैं, संगतें अंदर प्रवेश करती हैं, कीर्तन की पावन धुनी फिजा में गूंजती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का श्री हरमंदिर साहब में आगमन और प्रकाश होता है, हुक्मनामे की बख्शिश होती है। सतगुरु के प्यार का स्पर्श प्राप्त पावन श्री हरमंदिर साहब के दर पर एक नया दिन इलाही कीर्तन, सेवा, सांझी वार्ता, दया, सच और प्रेम के रंगों में रंगा किया गया है।
ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਚ ਆ ਗਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਮਾੜਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ Yeah.
Thank you.
तो वहां ऊपर जा रही है थी खाली खाना तो कुछ मतलब नुकता सी है ना और इतना मुंह और अच्छा कर लिया अरे पापा घर दूसरे हाथ से पकड़ो दिखाए जाती हिंदुस्तान की जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की Thank you.
Gracias.
ਕੇ ਜਾਓ।